सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं दिन में ना एक्साइटमेंट में अपना इंट्रो ही लेना भूल गया था। तो भाई मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो द डरपोक राइडर यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं गया था टायर चेंज करवाने यार, तो उसकी वीडियो भाई अब देखो आप। तो भाई निकलते हैं यहाँ से और अभी जा रहा हूँ भाई मैं सोलन। सोलन में भाई इसमें ना टायर चेंज करवाने हैं, अल्टो है मेरे पास अभी। और मैंने ये वाली क्लिप अभी इसलिए कट कर दी जब मैं बैठ रहा था गाड़ी में, क्योंकि सॉन्ग्स थे लगे यार, कॉपी स्ट्राइक कभी भी आ सकती है। मैं यहाँ से भाई चढ़ाई ना बहुत गंदी है और इधर उधर को मतलब गोल मोड़ से यहाँ पे कैंचिया ही कैंचिया है भाई। देखना मोड़ एक बार यहाँ, और यहाँ से तो भाई मुश्किल जाएगी यार वन हैंड चलाना। तो मैं सीधा आपको ऊपर ही मिलता हूँ मेन हाईवे पर, वहाँ से आगे करते हैं बाकी शो। सो फाइनली भाई मेन हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से खींचेंगे। और ओ भाई रिवर्स पड़ गया था यार, अभी यहाँ से खींचते हैं सब। बाकी भाई अल्टो ना मैंने सेकंड गियर से डायरेक्टली फोर्थ गियर में कर दी शिफ्ट, और कुछ भी नहीं हुआ भाई, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे फिफ्थ में भाई आराम से लग गई है ये। अब मैं कंटिन्यू भाई देखो, एक हाथ से पकड़ रखा है मैंने फ़ोन और एक हाथ से स्टेयरिंग। तो भाई मैं फिफ्थ से डाउन कहीं पर भी नहीं करने वाला अब गियर, मैंने कंटिन्यू भाई यहाँ से फिफ्थ डाल लिया और फिफ्थ ही रहेगा भाई जहाँ तक भी गाड़ी जाएगी। और डिपेंड है आगे जाम ना लगे, ट्रैफिक ना फंसे यार, बाकी सब सही है। क्योंकि वन हैंड भाई मुश्किल है थोड़ा, और साथ में भाई तुम्हें पता ही है कोई तो रहता नहीं। और एक बात ये भी है, अकेले रहने का रीज़न भाई शेर अकेला ही रहता है, थोड़ी ना गिदड़ों के साथ रहता है, हम अकेले ही रहते हैं। और इधर उधर बस टर्न ना ले ये बंदे ना, क्योंकि यहाँ पे वन हैंड चल रही है भाई ड्राइविंग। और इसके अल्टो के ना भाई अभी टायर बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, ग्रिप भी भाई इसमें ख़त्म है, तो इसमें डलवाएंगे अभी टायर्स। और टायर कौन से कंपनी के होंगे वो मैं आपको शॉप पे दिखाता हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा यार पोलो के डलवाए जाए या किसके डलवाए जाए, जिसमें भाई सही सी ग्रिप हो वो टायर डलवाएँगे। और देखो भाई तुम्हारे भाई ने ना सबको पीछे कर दिया, कोई भी नहीं टिकता है। जब मैं अकेला आता हूँ ना भाई तब तो कोई टिक ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ अगर कोई आता है तो वो बोलता है स्लो चल स्लो चल, इस वजह से भाई बहुत स्लो चलता हूँ फिर मैं। और अभी तो कोई भी नहीं है। और नीचे का व्यू देखो भाई कितना प्यारा व्यू है, वेदर बहुत सही हो रहा है, अभी लगता है भाई शाम तक बारिश हो जाएगी। वो नीचे को भाई रामपुर और सुल्तानपुर वगैरह है अपनी साइड, और अभी हम हैं गलियाना, यहाँ पर एक मंदिर भी है भाई शिवधार, शिवधार टेम्पल सर्च करना, लोकेशन मिल जाएगी आपको, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। और सामने की साइड भाई जटोली वगैरह वो सोलन दिख रहा है पूरा उस साइड, बाहर वाली साइड पे, और इधर से भाई क्लियर दिख जाता है वेदर उस साइड का भाई, चेक करो सोलन ही जाना है अभी हमें। और क्या हालत हो रही है सोलन में आज यार, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, नहीं तो इस रोड पर भाई बहुत ज़्यादा वो रहती है गाड़ियाँ। आज तो भाई गाड़ी भी कुछ नहीं है, और न्यूट्रल ही कर देते हैं यार फिफ्थ गियर से भाई, टॉप पे थी देखो अल्टो आराम से चली जाती है टॉप पे, कोई और गाड़ी होती तो भाई टॉप नहीं जाती। बाकी इस गाड़ी का ये सही है, फोर्थ में चलाता हूँ भाई इतना झंझट नहीं रहता है, फोर्थ नॉर्मल सा गियर है अल्टो के लिए, ना ज़्यादा स्पीड में ना ज़्यादा ही स्लो, मतलब फोर्थ में ठीक चलती है भाई। अरे भाई डिज़ायर वाले यार क्या कर रहा है मेरे को जाने दे भाई, एक मिनट कहाँ से करते हैं भाई, जब से ना मतलब हाईवे बना ये वन साइड है, क्योंकि एक ही साइड भाई सोलन जाने के लिए ये वाला रास्ता, तो इस वजह से यार एक्सीडेंट्स का भी भाई काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि बंदे इधर उधर के लिए भाई टर्न लेने के लिए वो इंडिकेटर्स नहीं लगाते हैं, ऐसे ही टर्न कर लेते हैं, इस वजह से भाई और ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। और जिस हिसाब से भाई रोड अब सही कर दिया है ना इन्होंने, तो रोड सही करने का भाई बेनिफिट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि राइडर्स आते हैं तो भाई ऑब्वियसली यार मैं अभी राइडर हूँ मेरे को पता है, तो मैं अभी भाई ऐसे ही खींचता हूँ यहाँ पे। और मैं क्या भाई हर एक बंदा ऐसे ही खींचता है, क्योंकि इतना सही देखते हैं ना जैसे बंदे और खींचते हैं, और इस वजह से क्रैशेज एकदम से टर्न ले लेते हैं बंदे, तो वो डेंजर है। अब देखो ये स्विफ्ट वाला कैसे ओवरटेक कर रहा है बीच से, जबकि मेरी भाई यही लाइन थी पहले से, फिर भी एकदम से इधर उधर आ जाते हैं ना, मतलब इस वजह से क्रैशेज का ज़्यादा डर रहता है। ये ना करें ना बंदा, अगर क्रैश से बचना है तो भाई इंडिकेटर्स दो यार, इंडिकेटर लेके भाई कोई भी टर्न नहीं करेगा, इनको पता नहीं क्या हो जाता है। अब मेरे पीछे तो भाई कोई नहीं है इसलिए मैं विदाउट इंडिकेटर ही टर्न कर रहा हूँ, बाकी इसको पता है इसके पीछे भाई मैं चल रहा हूँ, तो इसको तो
इंडिकेटर लगाना चाहिए। और ये देखो भाई लोकेशन इतनी सही ना, यहाँ पे पार्क टाइप में बना रखा है इन्होंने। और उधर भी भाई कुछ बंदे फोटोज ले रहे हैं ऊपर, यहाँ से तो शो नहीं होगा। आते टाइम पे भाई हमने यहाँ ऊपर वाले रोड से जाना है, ये सामने ऊपर दिख रहा है ना भाई, ये सुरंग वाला रास्ता है, मतलब टनल है ऊपर से, और इतनी लंबी टनल है ना भाई कि कम से कम 2-3 मिनट लग जाते हैं भाई बाहर निकलने के लिए। और लंबी भी भाई बहुत ज़्यादा है, 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी होगी। और शीशे पे अगर आप भाई, अरे ये क्या भाई रॉन्ग जा रहा है, अभी भाई रॉन्ग चला गया, हाँ इसको इतना ही पता नहीं चल रहा है। और जिस चीज़ का भाई डाउट था ना वही चीज़ हो रही है। अपनी साइड में तो बारिश थी नहीं, वहाँ पे बस वेदर था बारिश का, और इस साइड तो भाई बारिश हो रही है। देखो शीशे पे अगर आप ध्यान दोगे तो आगे भाई बूंद बूंद सी लगी है इस पर, वाइपर चलाते हैं कर देते हैं इसको साफ। अरे और ज़्यादा गंदा हो गया भाई, इससे तो अलग ही सीन हो रहा है यहाँ पे सोलन साइड। जितना भाई सोलन की तरफ बढ़ते जा रहे उतनी बारिश ज़्यादा ज़्यादा हो रही है। अरे यहाँ को तो भाई साउंड भी ऐसी आ रही है ना बारिश की, इस साइड ज़्यादा है यार। अब जब तक तो प्रॉपर सोलन पहुँचेंगे ना भाई तब तक तो ठीक बारिश लगी होगी। और ऐसा मौसम यार सही लगता है, ये सही वेदर है भाई इस टाइम पे। अगर राइड करने को भाई मिल जाती ना बाइक वगैरह, यार शिट नीचे वाली साइड हो जाओ भाई, एक साइड खींचने का भी यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि एकदम से ना बंदे टर्न कर लेते हैं। अरे देखो कहाँ आ रहा है यार भाई, इतने ढीठ से बंदे यार HP के होके, इनको पता ही नहीं चल रहा है। जिन बंदों ने रोज चलना है यहाँ पे उनको ही पता नहीं चल रहा है कि कैसे चलना है कैसे नहीं, इधर उधर जा रहे हैं यार बंदे। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं यार, इसकी शीशा और ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि वाइपर फास्ट कर देते हैं, क्योंकि बूंद नहीं लगनी चाहिए भाई एक भी, जैसे ही बूंद लगेगी वैसे ही साफ़ कर देंगे। ओ शिट यार, गियर डाउन करने पे भाई मजबूर कर दिया इन्होंने, कितनी दिक्कत होती है। वन हैंड देखो भाई तुम्हारे लिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मोटो व्लॉग भाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार ऑडियंस मेरी ऐसे ही बोर सी हो रही होगी, क्योंकि मानता हूँ मैं भाई और व्लॉगर भी है बहुत, पर जो भाई मेरे वो सब्सक्राइबर्स है उनको मेरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। हर एक बंदे के ना अपने अपने सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्लॉग्स आप और भी मिल जाएंगे आपको, बट जिस बंदे ने मेरे ही देखने हैं तो भाई उसको मेरे का ही वेट रहेगा। तो कुछ बंदे होते हैं इतने अच्छे, कुछ मतलब मैसेज भी करते हैं कि भाई व्लॉग नहीं आ रहा आपका, ऐसे वैसे पूछते हैं, कहीं कमेंट्स करते हैं। तो यार मोटो व्लॉग तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, बाकी गाड़ी में कर लेता हूँ मैं का शूट आज, मैंने सोचा भाई। और गाड़ी में मैं भाई इतना आदत भी नहीं है मेरे को गाड़ी में शूट करने की, और ना कोई साथ के लिए बंदा है, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। तो भाई कैसा बनेगा व्लॉग वो तो मेरे को पता नहीं है, बट छोटी सी ट्राई यार आप लोगों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भाई छोटी सी ट्राई की है मैंने। और ये स्विफ्ट वाला भाई एक साइड ही नहीं हो रहा यार, ऐसे ही बंदे पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं इन्होंने तो ना, वैसे ही दिमाग खराब कर रखना। एक साइड हो जाए यार, या उसी साइड चल ले या इसी साइड, ना दूसरों को ओवरटेक करने देते हैं भाई ना खुद इनसे ओवरटेक होता है। अभी मैं तो चलो व्लॉग शूट कर रहा हूँ, बट इसको तो कर लेना चाहिए यार ओवरटेक। अगर मैं चला रहा होता ना भाई अभी ठीक से गाड़ी तो दिखाता मैं स्पीड, अगर कोई फ़ोन पकड़ने के लिए साथ में होता, बट कोई नहीं है ना इस टाइम साथ पे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओवरटेक हम फिर भी करते हैं, पर उतनी मैं भगा नहीं पा रहा हूँ यार क्योंकि टॉप गियर यहाँ पे मैं जान नहीं पा रहा। और ये सुई वाला झंझट है भाई, इसमें स्पीड भी आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रही होगी कि कितनी टॉप स्पीड जा रही है। तो 60-70 अब पहुँची भाई, 70 के आसपास, एंड 80 तो लगा देते हैं। हाँ ये भाई 80 टच हो गई फोर्थ गियर में, यहाँ पे भाई फिफ्थ मांग रही थी बट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मैं भाई 120 तक तो भाई मैं इसको टारगेट मेरा वहाँ का है भाई टनल में 120 तो मैं पहुँचाऊँगा इसको। तो वहाँ की वीडियो भी देखना, स्किप मत करना। तो वापस भाई मैं उसी साइड से जाऊँगा टनल से होते हुए, तो उधर भी मैं भाई आपको क्लियर दिखाऊँगा। वहाँ पे तो भाई मैं सीधा फोकस ना स्पीड पे ही रखूँगा, तो स्पीड करना चाहे 120 या इससे ज़्यादा भी जा सकती है भाई, कोई पक्का पता नहीं, क्योंकि मैं टॉप गियर डाल लूँगा वहाँ पे। सीधा ही है भाई, स्टेयरिंग का कोई वो सीन नहीं है, मोड वगैरह का सीधा है, क्योंकि अब यहाँ पे फिर से यार गियर डाउन करना पड़ेगा शायद। नहीं 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 चल पड़ी भाई। ओ शिट, तो भाई यहाँ से निकलते हैं यार, हम गुम हो गए भाई अपने इलाके में, भाई अपने ही सोलन में गुम हो गए हम। जहाँ पे हमारे को जाना था यार शॉप पे ना, वो वाली शॉप पता नहीं कहाँ पे है, मैं बहुत आगे आ गया, अभी कॉल आ रही है मेरे को कि वो शॉप है उस साइड में,
इधर से ही मैं आया था भाई और इधर ही वापस जा रहा हूँ अब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया यार। शॉप भी पता नहीं कहाँ पे जिस पे भाई टायर चेंज करवाने हैं, तो चलते हैं अभी पीछे। और ये देखो भाई व्यू चेक करो सोलन का, कितना सही लग रहा है यार वेदर ना, बारिश का हो रहा है और थोड़ी बहुत हो भी रही है बारिश। अभी देखो आगे ग्लास साफ किया था फिर हो गया इस पर बूंद बूंद सी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही है, हवा वगैरह भाई बहुत तेज़ चल रही है बाहर, अंधेरा सा हो गया है यार आज उस साइड पे तो भाई बहुत ज़्यादा। और देखते हैं अब कहाँ पे शॉप को ढूंढते ढूंढते जाना होगा हमें। पेट्रोल पंप 500 मीटर दूर है, हाँ भाई पेट्रोल पंप के आसपास ही है कहीं शॉप, तो वहाँ पे होंगे टायर्स चेंज। और टायर्स चेंज करवा के भाई सीधा निकलेंगे हम टनल के लिए, और टनल से होते हुए जाएंगे भाई अपने घर के लिए। और भाई व्यू भी चेक करो यार उस साइड का, भाई व्यू करो यार चेक कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। सोलन में हूँ भाई अभी मैं, और जल्दी से यार टायर्स का काम करवाते हैं उसके बाद निकलते हैं। हाँ कहीं टायर्स की शॉप है भाई, उसमें जाना होगा मेरे को तो लगता है भाई, यही है नीचे पर। ये तो यार सीट कवर्स है मेरे ख्याल से, हाँ सीट कवर्स है भाई यहाँ तो, JK टायर्स ये है शायद यहाँ पे हो सकता है। हाँ हाँ हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और जिस शॉप को भाई ढूंढ रहे थे हम वो है भाई यहाँ पे। अलॉयज करो यार चेक, सामने ये अलॉय दिख रहे हैं, तो यहाँ पे होंगे टायर्स चेंज भाई, होगा इसका काम स्टार्ट। अरे इतने जल्दी खुल भी गया भाई एक टायर तो देखो, बाकी ये भी ऐसे खुलेंगे भाई इस हिसाब से तो बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो व्हील कवर खुल चुका है इसका, और स्पीड देखना भाई इसकी, देखो खुल गया सेकेंड। ओ भाई ये तो बहुत फास्ट है, और टायर भाई बाहर ऐसे ही चारों खुलेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं वेस्ट, सीधा दिखाएंगे आपको अब बाद में चलते हुए यहाँ से, टायर कौन से वो दिखाते हैं बाद में। और शॉप देखो भाई अलॉयज लगे हैं बाहर, बाकी व्हील कवर सोलन में। तो भाई गाड़ी अपनी लटक चुकी है यहाँ पे, देखो टायर्स में दिखाता हूँ भाई कौन से डलेंगे इसमें, वो मैं बाद में दिखा दूँगा। एंड शॉप यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अलॉयज वगैरह सब कुछ है, बेस ट्यूब सीट कवर सब। लोकेशन भाई यहाँ की करो तुम चेक, ओ भाई बादल क्या ही सही लग रहे हैं भाई, आसमान देखो ऊपर हल्का सा वहाँ सन दिख रहा है, ओ भाई रिम निकल रहे हैं इसमें से। तो भाई टायर्स डल चुके हैं, और सबसे मेन भाई ये सीट बेल्ट, भाई मैं ना सीट बेल्ट पहनना ही भूल गया था, इसको लगाना भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ भाई बंदे ने टर्न के लिए इंडिकेटर तक नहीं दिया भाई, कहाँ से टर्न किया यार बंदे ने। और भाई टायर्स हमारे डल चुके हैं, पहले की तरह ही लग रही है गाड़ी चलाने के लिए भी। और टायर्स कौन से डले हैं वो भाई मैं आपको रुक के दिखाऊंगा कौन से टायर हैं, बाकी टायर यार सही है। चारों टायर की कॉस्ट भाई आई हमें 10,800 रुपीज़ आई भाई कॉस्ट चारों टायर्स के। और अल्टो के तो भाई सस्ते मिल जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। हमारी जो दूसरी अपनी गाड़ी है जो भाई पर्सनली उसका वो बताता हूँ मैं, दो टायर्स डले थे तो वो भाई हमारे को पड़े थे, अरे तो भाई 7,000 में पड़े थे दो टायर क्विड में भाई, उसके थोड़ा साइज़ भी मोटा है उस टायर का और बड़ा है वो टायर, तो वो भाई 7,000 के हमें दो टायर्स मिले थे। बाकी इसके तो ठीक है, अल्टो के 10 में पड़ गए भाई चारों के चारों। आपने ये रोड तो देखा ही होगा, यहीं से मैं आया था ऊपर वाली साइड से, और यही वाले रोड पे भाई वापस जा रहा हूँ अब। तो पीछे भाई ट्रैफिक वगैरह रहती है एंड पुलिस भी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ, तो भाई मैं शूट नहीं कर रहा था, तो ये वाले रोड पे कोई ख़तरा नहीं है। अब मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ भाई, और थोड़े टाइम बाद मैं पहुँचने वाला हूँ टनल के पास, और टनल से भाई ठीक खींचेंगे इसको। टॉप स्पीड भी आज पता ही चल जाएगी भाई कि कितनी टॉप स्पीड है अल्टो की, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस सबको। ऐसे ही रहना वीडियो में बने हुए, एंड स्किप तो भाई करना ही मत, क्योंकि वो अगर वो पार्ट नहीं देखा ना भाई तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ पूरी वीडियो देखने का, क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत तगड़े तरीके से ना, इतने बस स्पेस चाहिए, सिर्फ गाड़ियाँ ना हो ना वहाँ, बाकी टॉप स्पीड देखना फिर 140 भी लग सकती है, 150 भी लग सकती है, कोई पता नहीं। और छोटी गाड़ी में तो भाई डर भी नहीं रहता अनकंट्रोल होने का, क्योंकि मैं 500 लेके आया था भाई एक दिन, उसमें ना मैं खींच नहीं पाया, मैंने 120 पे कंट्रोल कर ली,
मतलब भगा मैं उसके बाद भी सकता था उसको, पर भगा ही नहीं भाई मैंने, क्योंकि बहुत डेंजर रहता है यार। मतलब ना कितना भी कंट्रोल कर ले बंदा, उसका स्टीयरिंग ना ऐसे ऐसे जाता है भाई, ऐसे ऐसे करके मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। चाहे कितना भी जोर से पकड़ लो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर वो 100 या 120 पे चली गई ना भाई, फिर अनकंट्रोल हो जाती है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में भाई यही सीन होता है। ड्रिफ्ट पे भी ऐसे पलटने का डर रहता है, तो छोटी गाड़ियों को ही भगा सकते हैं भाई, हमेशा छोटी गाड़ियाँ सेफ रहती है। और अल्टो तो भाई सबसे बेस्ट है, छोटी भी है भाई, इसमें कोई डर नहीं है। इसको टॉप गियर भाई फिफ्थ में देखते हैं कितनी जाती है कितनी नहीं। और यहाँ से भाई अब अच्छा स्पेस है यहाँ से भाई, ठीक है खींचने के लिए स्पेस, देखना यहाँ से भाई। अब तो बहुत सही बन चुके हैं यार यहाँ के रोड ना, पहले होते थे गंदे से। और इनके रिएक्शन देखते हैं, ओ भाई कहाँ जा रहा है अभी भाई, अनकंट्रोल हो गई थी। और ये देखो स्कूल के बच्चे भाई, गर्ल्स जा रही हैं देखो, पता नहीं कौन कौन जा रहे हैं भाई यहाँ से, और रिएक्शंस दे रहे हैं। शायद भाई न्यू टायर का ना यहीं से ही हो गया वो घिसने वाला सीन शुरू, तो रुकेंगे भाई टनल से थोड़ा सा पीछे ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। एंड वहाँ से भाई बहुत अच्छी लोकेशन है, मतलब वो जटोली वगैरह भी भाई सारा दिखता है, जटोली टेम्पल, जो बाहर से भाई उनको नहीं पता होगा तो उसमें देख लेना भाई मैप में, या यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी देख लेना। बहुत सही टेम्पल है भाई, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है उसको। इसमें भाई किसी को क्या पता है, व्लॉग बना रहे हैं गाड़ी में, कुछ भी पता नहीं चलता है। और गाड़ी भी तो भाई अल्टो है ना भाई, क्यूट गर्ल्स को लिफ्ट दे दी जाए क्या, क्या बोलते हो? इस टाइम पे भाई यहाँ पे आना पड़ेगा कभी मोटो व्लॉग करने, रिएक्शंस मिलेंगे भाई बहुत तगड़े वाले। ऐसा तो भाई कभी हो नहीं सकता कि मोटो व्लॉग में आए हम और रिएक्शन ना मिले, बस ये अलग बात है कि भाई हम शूट नहीं करते हैं, वो अलग है। बाकी रिएक्शंस तो भाई ठीक मिलते हैं तुम्हारे भाई को भी, या स्कूटी पे ही भाई इतने रिएक्शंस मिलते हैं तो सोचो, अगर बाइक आ गई ना भाई गलती से तो वही मचा देंगे। और ये क्या भाई डोमिनार भी यार, भगा ले भाई भगा ले। और यहाँ पे भाई सब कुछ तोड़ दिया है इन्होंने, वो इलेक्शंस जो आ रहे हैं यहाँ पे, शाखा दुकानें हुआ करती थी। और देखो भाई ठेके की पावर भाई, सारी दुकानें टूट गई बट ये ठेका नहीं टूटा भाई, इसको तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं की। इसको बोलते हैं भाई पावर, ठेके वाले की पावर भाई। और अल्टो भी, यस अल्टो भाई ड्रैग लग गई। तो यहाँ ऊपर रुकते हैं भाई, यहाँ से दिखाता हूँ मैं पार्क की ना पूरी लोकेशन आपको। एंड गियर करते हैं भाई डाउन, ऊपर की भी क्या ही लोकेशन आ रही है। मैं पहले ये वाली साइड पे हो जाता हूँ भाई, क्योंकि हमने ना रुकना है यहाँ पे, और टायर्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो जगह तो भाई यहीं कहीं लगा लेते हैं, यहाँ पे सही है। तो रुकते हैं, बाहर दिखाता हूँ मैं आपको वेदर वगैरह सब कुछ। एंड बारिश का मौसम लग रहा है अभी। तो भाई टायर्स देखो ये वाले डले हैं, इसमें कौन से गुड टायर भाई, गुड टायर्स डले हैं इसमें। साइज़ इनका पता नहीं कहाँ पे है, 145 80 70 40 ये भाई साइज़ इसका 12 इंचज़ के हैं। बाकी इधर से दिखाते हैं व्यू आपको, ये देखो भाई क्या ही लग रहा है रोड। उधर से आए भाई हम इधर को, और पार वाली साइड भाई पूरा सोलन दिख रहा है उधर, हाँ भाई घर वगैरह सबके। एंड यहाँ से भाई व्यू तो भाई ये देखने लायक व्यू यहाँ पे। कभी व्लॉग करते हैं भाई राइड पे आएंगे, यहीं से भाई राइड करता हूँ मैं। एंड बहुत सही जगह लगती है अपने को तो यहाँ पे। और अल्टो की भाई लुक कर ही लो, चारों टायर्स इसमें डल चुके हैं, बाकी टायर्स तो नहीं हुए, बाकी व्हील कवर पुराने हैं, कुछ बात उतनी खास नहीं बन रही है। तो निकलते हैं भाई यहाँ से, सबसे पहले तो भाई सीट बेल्ट पहन लेते हैं, आगे पुलिस ना हो नहीं तो सीन हो जाएगा। और निकलते हैं भाई यहाँ से, और टनल भी भाई यहाँ सामने ही टनल है, आगे टनल में खींचेंगे बस गाड़ी को भाई, ये चीज़ है जो करने को है अभी। और अभी देखो भाई सेकंड में है ना ये गाड़ी, मैं सेकंड में खींचता हूँ इसको और डायरेक्टली भाई फोर्थ, ऐसे करते हैं भाई फिर हम।
मैं भाई थर्ड कभी भी नहीं डालता हूँ, कितना झंझट कौन ले यार। सेकंड से पहले थर्ड में जाओ, फिर फोर्थ में जाओ, इससे अच्छा डायरेक्टली फोर्थ ही अप्लाई करता हूँ मैं। और अब खींची जा रही है भाई यहाँ से तगड़े तरीके से, 70 पे तो यहीं पे ही है भाई, 60 पे, सॉरी 60-70 तो अब पहुँची भाई। अरे स्कूटी वाले भाई पता नहीं क्या ऐसे लव में ना, इनको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ये भाई लव पावर। और दो डिपर भाई, ये देखो क्या हाल हो गया इनका, पहले कल आया था मैं तो भाई एक ही था खराब, आज दोनों हो गए। और फाइनली भाई जिस चीज़ का मेरे को ना वेट था वो चीज़ आ चुकी है भाई, अब अपना टनल आ चुका है गाइस। स्पीड लिमिट देखो गाइस 40, और अब देखना भाई स्पीड लिमिट 40-40 तो भाई कुछ नहीं, अगर बाइक पे आते हैं ना भाई तो सुनना कभी साउंड। और मैं लाइट जला लेता हूँ भाई, जिससे आपको ना स्पीड दिख जाए क्लियरली। और खींचते हैं भाई यहाँ से, अब देखना मैं कुछ और नहीं दिखाऊंगा भाई, आपको ओनली स्पीड दिखाऊंगा, स्पीड टेस्ट के लिए आया हूँ मैं स्पेशली, तो देखते रहो भाई कितनी जाती है। एंड अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यार जो मर्जी बोलो भाई अल्टो में कोई दम नहीं है यार, सच्ची यार बहुत दिमाग खराब हो गया यार। इससे ज़्यादा तो भाई मेरी स्कूटी चल जाती है 125 भाई, वही चल जाती है इससे ज़्यादा तो यार क्या सीन है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। 800 cc भाई, 80 की ओनली 80 भाई, कमाल की बात है यार, सिर्फ 80 यार, ये तो नॉर्मल सी स्पीड है भाई, ये क्या स्पीड है भाई। 100 भी क्रॉस नहीं किया यार अल्टो ने भाई, गाड़ी में और स्कूटी में भी भाई कोई फ़र्क नहीं रह गया। ये 800 cc है और वो 125, इससे सही तो भाई मेरी एंटॉर्क चली जाती है यार अब से भाई। अल्टो तो भाई कभी खींचनी नहीं है, लाइव था भाई मैं आपके सामने, मैंने स्पीड भी पूरी दिखाई भाई, 90 तक ये पहुंची नहीं, और 93 या 97 तो भाई मेरी एंटॉर्क ही गई है, कोई स्पीड नहीं है भाई इसमें, ऐसी है शो के लिए, शो कर रखा है कंपनी वालों ने 800 cc है, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सही नहीं है, कोई पावर नहीं है इसमें, फालतू में यार दिमाग खराब हो गया। सोचा था भाई मैंने 120 या 150 तो लग ही जाएगी, बट नहीं लगी यार, ये तो कमाल की बात है यार, 180 की स्पीड दे रखी है और ये तो 100 भी नहीं जा रही है, तो भाई मूड ही ऑफ हो गया यार। ये टॉप स्पीड तो भाई कुछ अच्छी आई नहीं, मैंने टॉप स्पीड ही करनी थी भाई, टॉप स्पीड देखनी थी मैंने, वो देख ली है, बहुत घटिया परफॉर्मेंस रहा है, ये उम्मीद नहीं थी भाई अल्टो से, और अपना हो गया भाई मिशन पूरा, टॉप स्पीड देखनी थी सिर्फ, वो चेक कर लिए। तो इस ब्लॉग को करता हूँ भाई मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब भाई सीधा राइड पे मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग तो राइड पे ही आएगा, मोटो ब्लॉग पे। एंड चैनल को करना भाई सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, अपने भाई के 1K करवा दो यार जल्दी से, फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।